हाई एवरी वन वेलकम टू Crunch. क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे यूनिट फोर का मैराथन कम रिविजन सीरीज मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही है एम सी क्यू वीडियोज़ के लिए भी तो आप लोग पैनिक नहीं करें टेंशन नहीं लें मैंने एम सी क्यूज बोला है मैं वो कवर करवाऊंगी पर ये मंथ मैंने सोचा हुआ था हम सिर्फ रिविजन कम्प्लीट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने नहीं वीडियोज रेगुलरली ला पाई बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस महीने में हमारा जो रिविजन है वो कम्प्लीट हो जाए एंड साथ में आपका भी रिविजन कम्प्लीट हो जाए एंड जो लोग पहली बार जिन लोगों ने वीडियोज नहीं देखे एंड मैराथन पर ही डिपेंड कर रहे हैं उनका एटलीस्ट मेजर पोर्शन जो है सिलेबस का वो ओवर हो जाए एंड सबके लिए फिर ईजी हो नेक्स्ट मंथ से हमारा जो एम है वो हम करें ठीक है एंड रूल भी यही है कि पहले आपका रिविजन ऑन पॉइंट होना चाहिए कम्पलीट उसके बाद आप स्विच करेंगे एम पे तो जो अभी तक मेरी चैनल को जिन्हें अभी तक नहीं देखा था फर्स्ट टाइम विजिटर्स के लिए मैं बता दूं इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी सुपरवाइजर एग्जाम के ठीक है तो सुपरवाइजर में हमारा जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है सारा सिलेबस जो है मैंने कवर करवाया हुआ है अब करंटली हमारा स्पेशलाइजेशन में मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है फाइन कम रिविजन सीरीज तो ये सीरीज किन के लिए बेनिफिशियल रहेगी जिन लोगों ने और मेरे सारे वीडियोज देखे हैं उनके लिए ऑब्वियसली रहेगी ही लेकिन जो लोग किसी रीज़न की वजह से कंप्लीट वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं वो इस मैराथन कम रिवीजन सीरीज़ को और आने वाले टाइम में जैसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ वीडियो लेके आऊंगी वो वाला जो वीडियो है वो देखें या जो मेरी एमसीक्यू सीरीज़ चलेगी ठीक है ये सारी चीज़ें आप देखें एटलीस्ट अगर आपने मेरा जो फुल uh, कोर्स है वो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से नहीं देख पा रहे हैं तो ये चीज़ें जो हैं एटलीस्ट आपको एग्जाम से पहले देखनी चाहिए फाइन ये रहा आपके स्पेशलाइजेशन का इस पे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको करवाया हुआ है जीके का जीके पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने किया हुआ है एंड प्लस हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है बस एक वीडियो बचा हुआ है एंड कंप्यूटर्स के भी अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं जो कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा तो आज हमारा स्टार्ट होता है यूनिट फोर तो जस्ट लाइक प्रीवियस में भी हम बचता है स्कीम्स का मैं देखती हूं, मैं कैसे आपको कवर करवाऊंगी या तो शॉर्ट विडियोज कुछ बना के एंड प्लस उसके एमसीक्यू फाइन तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर्थ आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखो मुझे भी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं तो मैं हैंड रिटन नोट्स जो है इस यूनिट के नहीं बना पाई तो फर्दर हमारा जितना भी ये रहेगा आगे हमारे जो वीडियोस चलेंगे यूनिट फिफ्थ के या यूनिट सिक्स के तो मैं कोशिश करूंगी व्हाइट बोर्ड पे सारे लेके आने की पर मैं देखती हूँ इसमें अगर कोई ऑप्शन होगा मैं इस व्हाइट बोर्ड पे जो भी हम पढ़ेंगे उसका पीडीएफ बना के आपको वो इस यहाँ से एक्सपोर्ट करके वो फाइल मैं आपको दे दूँ ठीक है तो पॉवर्टी एंड अनुप्लॉयमेंट देखते हैं देखो पॉवर्टी होता क्या है पॉवर्टी का सिंपली वही मीनिंग है लिटरल मीनिंग जो हमें पता है गरीब होना सिंपली तो आपके जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वो डिफाइन करती है पॉवर्टी इस चीज को जिसमें डेप्रिवेशन हो किसी चीज की क्रॉनिक डेप्रिवेशन क्रॉनिक डेप्रिवेशन अगर आप चाहें तो आप मेरे पीडीएफ का वेट कर सकते हैं लेकिन बेटर रहेगा अगर आप मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए अपने नोट्स खुद से बनाएंगे तो ह्यूमन राइट्स यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी वो बोलती है पॉवर्टी को कि क्रॉनिक डिप्रेवेशन होती है कुछ चीज़ों की जैसे आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते ठीक है आपके पास चॉइसेस नहीं होती क्योंकि गरीबी इतनी है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है आप क्या चाहो अपनी चाहते पूरी नहीं कर सकते हो बस जरूरतें पूरी हो जाए उतना काफी है सिक्योरिटी की कमी होती है उनकी उन लोगों में जो पॉवर्टी इसमें फॉल करते हैं इस ब्रैकेट में एंड आपके पावर वगैरह एंड उन लोगों के पास सोसाइटी में कोई पावर नहीं होता है ठीक है तो पावर किनके पास यूजुअली होता है जो इकोनॉमिकली भी एफ्लुएंट होंगे अगर आप उसको रिलेट करोगे वही चीजें हैं जो कार्ल मार्क्स ने कहीं ना कहीं हमें अलग अलग में बताई हैं भाई तो चलो यहाँ आपको वो नहीं याद रखना तो ये पॉवर्टी मतलब होता क्या है आपके पास क्रोनिक डिप्रेवेशन है कुछ चीजों की वो काफी चीजें हो सकती है उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताई यूएनएचआर सी जो है पॉवर्टी को ऐसे डिफाइन करता है अब पॉवर्टी कैसे कैसे आप मैनिफेस्ट uh, करती है खुद को पॉवर्टी आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी जो मेन हम दो टाइप्स डिस्कस करते हैं एक है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड एक है आपका रिलेटिव पॉवर्टी ठीक तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो क्या होता है वो सिंपली डिप्रिवेशन है कुछ चीजों की जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास नहीं है वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं फॉर एग्जांपल फूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप इस एरिया में रहते हो जहां पे साफ सफाई सेनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है सैनिटेशन फैसिलिटीज शेल्टर एजुकेशन एक्सेट्रा काफी चीजें अगर इन सारी चीजों की आपको डिप्रिवेशन फेस होती है लाइफ में कि ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी ठीक है poverty, अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है देखो जहां पे भी ये टर्म रिलेटिव आएगा ना जहां पे भी आप रिलेटिव देखोगे हमेशा ये बात याद रखना रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपेरिजन टू अब जब आप रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर रहे हो इसका मतलब जिस जहां पे आप रहते हो उन सबकी इनकम का अगर आप एवरेज निकालो तो उनके कंपैरिजन में आप कितना कमाते हो अगर डिफरेंस काफी ज्यादा है तो आप पॉवर्टी में पॉवर्टी लाइन में फॉल करोगे इस ब्रैकेट में आ जाओगे ठीक है तो रिलेटिव जहां भी है वहां पे चीज क्या आपको याद रखनी है कंपेरिजन तो किसके कंपे जैसे अगर आप कंट्री की रिलेटिव पॉवर्टी निकालो इंडिया की तो इंडिया किसी एक कंट्री से रिलेटिवली कितना अमीर है या गरीब है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी एप्सोल्यूट पॉवर्टी में आपको क्या याद रखना है और कुछ टर्म्स जैसे अभी हम एप्सुल्यूटी पढ़ रहे हैं ठीक है ये हो गया एप्सोल्यूट पॉवर्टी इसमें आप देखो पॉवर्टी थ्रेशोल्ड एक चीज होती है पॉवर्टी थ्रेश बेसिकली क्या होता है ये मेजरमेंट होता है ऑफ पॉवर्टी ठीक है एक मॉनेटरी वैल्यू हम सेट करते हैं वो किस चीज की मॉनेटरी वैल्यू सेट करते हैं कि एटलीस्ट आपका जो एक बास्केट ऑफ गुड्स या बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स वाली चीज आती है कि आप वो अवेल कर पाते हो या नहीं वो बास्केट ऑफ गुड्स जो है उसका वैल्यू क्या है बास्केट ऑफ गुड्स ठीक है अब बास्केट ऑफ गुड्स में क्या चीजें आएंगी इसमें वो चीजें आते हैं जो इंसान यूज करता है जो इंसान की जरूरत की चीजें होती हैं ठीक है थीके? जैसे आपका क्लोथिंग या बेसिक सबसे फूड आ फूड आइटम्स तो आ गए तो राइस या ब्रेड बोलो ठीक है एक्सेट्रा ये सारी चीजें क्लोदिंग आइटम्स आ गए जैसे आपकी टी शर्ट जीन्स वगैरह जीन्स टी शर्ट जीन्स एक्सेट्रा या अगर आप स्कूल गोइंग हो तो एजुकेशन के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं फीस एंड ऑल तो वो सारा क्या आता है वो आपका एक बास्केट ऑफ गुड्स आता है तो उस बास्केट ऑफ़ गुड्स को एक एब्सोल्यूट टर्म में मेजर करते हैं कोई मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं उसकी ठीक है फिर डिक्लेयर वो हमें किस लिए यूज होता है अब जो लोग एटलीस्ट उतना स्पेंड कर पाते हैं उतने पैसे जितनी मॉनेटरी वैल्यू उसकी आती है जो उतने खर्च कर पाते हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है एंड जो वो नहीं कर पाते हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है ठीक है तो इसको क्या बोला जाता है पॉवर्टी थ्रेश होल्ड है इन एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी ठीक है ये एक सेट करता है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द बास्केट ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स और हर वो घर जिनकी इनकम कम होगी इस वैल्यू से फॉर एग्जांपल मॉनिटरी वैल्यू उसने हंड्रेड सेट की होगी तो हर वो घर जिनकी इनकम हंड्रेड रुपीज से कम होगी वो फॉल करेंगे पॉवर्टी लाइन वो फॉल करेंगे बिलो द पॉवर्टी लाइन इसको हम बोलते हैं पॉवर्टी थ्रेश एक यूनिटरी वैल्यू किसकी बास्केट ऑफ एक मॉनिटरी वैल्यू किसकी बास्केट ऑफ गुड्स की ठीक इंडिया में जो बेसिक नीड्स हैं अगर हम उनको इन टर्म्स ऑफ कैलोरी इनटेक देखें तो वो आता है टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलोरीज इन रूरल एरियाज पर पर्सन रूरल एरिया में ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलोरीज एंड ट्वेंटी वन हंड्रेड कैलोरीज इन अर्बन एरिया इतना बेसिक मिनिमम जो है इंडिया में एटलीस्ट जो कैलोरीज पे है इतना पैसा आप खर्च कर पाने चाहिए इतना खाना लेने के लिए ताकि ये कैलोरी इंटेक जो है आपकी पूरी हो जाए बेसिक नीड्स ठीक है अब बो के आगे रिलेटिव पॉवर्टी एब्सोल्यूट हो गया यहाँ चलते हैं रिलेटिव रिलेटिव पॉवर्टी तो रिलेटिव पॉवर्टी मैंने कहा इसमें आप क्या करते हो कंपेयर करते हो अपने को दूसरे से फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे अगर किसी इंसान की रिलेटिव पॉवर्टी किसी फैमिली की देखनी है तो आप एवरेज अपने आसपास की जो कम्युनिटी है उनकी इनकम का एवरेज निकालोगे अगर आप उनसे कम कमाते हो तो रिलेटिव पॉवर्टी या रिलेटिवली पुअर हो ठीक है तो रिलेटिव पॉवर्टी कंडीशन है इन विच पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम

कभी क्या होता है डेफिनेशन आ जाती है और आपको बोलना होता है कि रिलेटिव पॉवर्टी होगी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी ठीक है हो तो रिलेटिव पावर्टी अगर आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह देखनी है तो आप कंपाइल्ड पीडीएफ से देख लेना यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ जो मैंने आपको बताया रिलेटिव पॉवर्ट होता क्या है तो अगर आपको कंपेयर करना है पर कैपिटा इनकम डिफरेंट कंट्रीज का तो आपके लिए काम आएगा जैसे इंडिया की रिलेटिव relative, रिलेटिवली इंडिया कितना पोअर है दूसरी कंट्री से आगे चलते हैं अब कुछ पॉवर्टी के क्या रीजंस हैं पॉवर्टी के ठीक है उसके अलग क्यों हम जो कंट्री है कोई क्यों पोअर होती है क्यों इस पॉवर्टी ब्रैकेट में आती है अंडर डेवलप नेचर ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमी नहीं चल रही है काफी रीजन की वजह से चाहे डिमांड साइड वो डिमांड वो अब हम आगे देखेंगे डिमांड या सप्लाई साइड या मार्केट में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिसकी वजह से क्या हो रहा है पॉपुलेशन हाई है रैपिड ग्रोथ उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं अभी कम ही हैं लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी ज्यादा है तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है आपकी पॉलिसी स्टेट की ठीक नहीं है पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि आपके जो जिससे आपकी इकोनॉमी जो है थ्राइव करे फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आप प्राइवेट बिजनेस पे इंपोज करती है गवर्नमेंट तो प्राइवेट बिजनेस थ्राइव नहीं करेगा एंड आपकी इकॉनमी भी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी फाइन आपका जो एग्रीकल्चर वगैरह जिसमें काफ़ी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कम है काफ़ी रीजन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीएफ में, में लिखे हुए पॉवर्टी लाइन का पॉवर्टी लाइन सिंपली एक मोनिट्री अमाउंट होगा जो आपको चाहिए जैसे इंडिया के अगर पॉवर्टी लाइन देखे तो एक अमाउंट होगा जो आपको इंडिया में चाहिए होगा एक दिन स्पेंड करने के लिए फाइन तो इसके uh, हमारे पास दो यहाँ से टाइप्स निकलते हैं जिन लोग जो लोग अबो द पॉवर्टी लाइन फॉल करते हैं या जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करते हैं आपने देखा होगा या सुना होगा बीपीएल कार्ड्स वगैरह बनाते हैं तो बीपीएल क्या है आपका वही बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया में कौन करता है पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया इज कैरीड आउट बाय नीति आयोग पहले मैं लिख लेती हूँ पॉवर्टी एस्टिमेशन पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है इंडिया में नीति आयोग आपको क्या करना होगा कमेंट्स में लिखना होगा कि जो नीति आयोग बॉडी है इसने किस बॉडी को रिप्लेस किया था ठीक है तो नीति आयो आयोग जो है ये कैलकुलेट करता है एंड वो कैलकुलेशन का डेटा किस पे बेस होता है वो बेस्ड होता है सैंपल सर्वे जो कलेक्ट किया होता है एनएसएसओ ने वो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ठीक है एंड ये किसके अंडर आता है ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको बोलते हैं ठीक तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया वो कमेंट्स में बताना ये देख लो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन में थोड़ी चेंजेस आई हैं अभी तक क्या लेते थे ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन अर्बन एरियाज की थी रुपीज था मंथली एक्सपेंडिचर ठीक है एंड uh, रूरल ये अर्बन का था अर्बन रूरल एरिया का था एट हंड्रेड सिक्सटीन रुपीज रूरल तो ये पॉवर्टी लाइन थी ठीक है जो इतना कमाता उसके जो बिलो वाले कैटेगरी है वो आपके बीपीएल में फॉल करते हैं फाइन तो अब इसमें चेंज आई है ये अपडेट होके हो गया है अर्बन एरिया का है इसको मैं नाव लिखती हूँ अर्बन एरिया का है रुपीज वन टू एट सिक्स एंड रूरल का है जीरो फाइव नाइन ठीक है तो एक कंपाइल्ड पीडीएफ में नहीं होगा ये आपको न्यू जो रेट हैं वो अपडेट करनी है ग्लोबल पॉवर्टी लाइन जो है वो ग्लोबल पॉवर्टी लाइन ग्लोबल पॉवर्टी लाइन उसको सेट किया गया है एट यूएस डॉलर टू पॉइंट वन फाइव पर डे ठीक ये अमाउंट जो है अपडेट किया था वर्ल्ड बैंक ने 2022 में फाइन तो जो अपडेटेड पॉवर्टी लाइन है वो है आपकी ग्लोबल पॉवर्टी लाइन अपडेटेड कितनी है 2.15 डॉलर तो ये आप याद रख लेना एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं फाइन अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंस से पहले अब हमने पॉवर्टी एस्टिमेशन पॉवर्टी हमने लाइन देख ली क्या है अब ये जो पॉवर्टी लाइन है कब से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट हमने किया तो हम देखेंगे इसमें हमारा जो आगे का पोर्शन है दैट इज य पॉवर्टी एस्टिमेशन बिफोर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन बिफोर इंडिपेंडेंस तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना होगा सबसे पहले इसमें एफर्ट किसने लगाए थे वो लगाए थे दादा भाई नेहरू जी ने हिस्ट्री में भी अगर आपने इनका नाम पढ़ा होगा दादाबाई नेहरू जी तो हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था तब जो यूएन का तब जो कांग्रेस का आपके आईएनसी का सेशन हुआ था उसके ये आ, क्या थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे ठीक है तो एक किस सेशन के प्रेसिडेंट थे वो मुझे कमेंट्स में बताओ इससे क्या होगा आपका जो है रिवीजन हो जाएगा एंड मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना पानी में हो दादा भाई नेहरू जी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है तो इन्होंने अर्लिएस्ट एस्टिमेशन किया है पॉवर्टी का अर्लिएस्ट एस्टिमेशन किया है इन्होंने पॉवर्टी लाइन का वो क्या इन्होंने सेट किया था रूपीज सिक्सटीन सिक्सटीन रुपीज टू रुपीज थर्टी फाइव पर कैपिटा पर ईयर पर कैपिटा पर ईयर ठीक है तो दादा भाई नेहरू जी इंपोर्टेंट नाम आप इसमें याद रखोगे उसके बाद आई थी नेशनल प्लानिंग कमिटी नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938 में 1938 तो इसने क्या किया था पॉवर्टी लाइन को रेंजिंग फ्रॉम रुपीज फिफ्टीन टू तो रुपीज ट्वेंटी पर कैपिटा पर मंथ ठीक है आगे देखते हैं फिर बॉम्बे प्लान आया था 1944 में बॉम्बे प्लान 1944 में तो इन्होंने सजेस्ट किया था सेवेंटी फाइव रुपीज पर कैपिटा मीन्स per पर पर्सन ठीक है पर ईयर ये हो गया आपका पॉवर्टी एस्टिमेशन थोड़ा हमने देख लिया प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में किस किस ने किया था तो उसमें हमारा हो गया दादा भाई नेहरू जी इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे फिर नेशनल प्लानिंग कमिटी एंड आगे आपका बॉम्बे बॉम्बे प्लान ठीक है फिर देखते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको याद रखना है एक प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप बना था प्लानिंग कमीशन पीसी से याद रख लेना प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप ये बना था 1962 में और इसने कहा था पॉवर्टी लाइंस होंगी रूरल की ट्वेंटी रुपीज एंड अर्बन एरियाज की फाइव अगेन वही पर कैपिटा पर ईयर ठीक है रूरल की रुपीज ट्वेंटी एंड अर्बन की रुपीज ट्वेंटी फाइव आगे अब और एक इंपॉर्टेंट नाम या इसको इंपॉर्टेंट ग्रुप भी आप बोल सकते हो वी एन वी एम एंड एंड रथ 1971 इसमें भी ये भी आपको याद रखना है इन दोनों में तो इन्होंने फर्स्ट सिस्टमैटिक असेसमेंट किया था पॉवर्टी इन इंडिया का फर्स्ट सिस्टमैटिक क्योंकि 1971 आते आते टेक्नोलॉजी भी का थोड़ी बहुत जो है पहले से इम्प्रूव हो गई थी तो दादा भाई नेहरू जी ने पहले अटेम्प्ट किया था पॉवर्टी एस्टिमेशन करने का लेकिन उसको सिस्टमैटिकली एक साइंटिफिक वे में थोड़ा बहुत किसने लाने की कोशिश की थी फर्स्ट सिस्टमैटिक Assessment of Poverty in India. वो किसने किया था? ने, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा था पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने देखा कुछ मिनिमम नीड्स चाहिए लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उस अकॉर्डिंग क्या किया था कोई एक प्राइस डिटरमिन किया था जैसे दादा भाई नेहरू जी ने कोई किया था बाकी ग्रुप्स ने कोई किया था इन्होंने क्या कहा था दानदेकर एंड एन रथ जो थे उन्होंने कहा था पॉवर्टी लाइन को डिराइव किया जाना चाहिए फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मतलब उतना आप खर्च कर पाओ कि आपको कैलोरीज प्रोवाइड हो टू टू फाइव जीरो कैलोरीज पर डे As well as तो डिमिन करने के लिए किया था कि अगर आप इतना कमाते हो कि आप टू ट्वेंटी टू टू फाइव जीरो कैलोरीज जो है खुद को दे पाओगे पर डे तो ठीक है अगर आप इतना फुलफिल करोगे तो फाइन अगर आप अः इतना भी फुलफिल नहीं कर सकते हो आप इतना भी नहीं कमा पाते हो कि टू टू फाइव जीरो कैलोरीज का खाना आप दिन में खा पाओ तो आप पॉवर्टी वाली रेंज में आ जाओगे तो एक काफी बड़ा स्विच था जिससे पहले सिर्फ रेट्स डिटर्मिन होती थी अकॉर्डिंग टू द बेसिक मिनिमम नीड्स जो हैं लोगों की उसके एक्सपेंडिचर की रेट्स के अकॉर्डिंग लेकिन इन्होंने कैलरीज के अकॉर्डिंग बताया था ठीक है तो मेजर ऑफ पॉवर्टी हम किन किन मेथड से करते हैं मेजर ऑफ पॉवर्टी तो पहले आपका हेड काउंट रेशियो और पॉवर्टी रेशियो काउंट रेशियो या इसको पॉवर्टी रेशियो भी बोलते हैं ठीक है तो इसमें हम क्या देखते हैं इसमें हम देखते हैं जो टोटल हमारी नंबर ऑफ बीपीएल ब्लो द पॉवर्टी लाइन कितने लोग रहते हैं डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ठीक उसके बाद मेजर ऑफ पॉवर्टी कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से इसको एमपीआई या एमडीपीआई भी बोला जाता है तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने डेवलप किया था ये डेवलप किया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने शॉर्ट में इसको ऑफ डी बोलते हैं ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ठीक है ये आप लिख लेना टाइम कंज्यूम टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं सारा जो एब्रीवेशन लंबी लंबी लिखूं इसको मैं थोड़ा ठीक से यहाँ पे लिखती हूँ डी ओ लग रहा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ठीक है इसने एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपका क्या करता है ये डेवलप किया था इसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और कब डेवलप किया था इन 2010 में उसके बाद एक आता है आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पहले यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को ही यूज करती थी मेजर करने के लिए पॉवर्टी ठीक है लेकिन बाद में हम किसको यूज करने लगे हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को ये हम थोड़ा डिटेल में भी इसकी एक दो चीजें पढ़नी है वो हम बाद में देखेंगे और फिशर प्राइस इंडेक्स फिशर प्राइस इंडेक्स ठीक है ये भी यूज होता है देखने के लिए कि कितनी हमारी क्या है पॉवर्टी कितनी है तो इसमें यूजुअली जो कंजम्पशन डेटा है जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं इसमें वही सारी चीजें आती हैं तो अगर जैसे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाए हेड काउंट रेशियो या चलो ये आप डिटर्मिन कर पाओगे हेड काउंट लिखा होगा अगर तो कहीं ना कहीं शायद आप गैस कर पाओ ह्यूमन पॉवर्टी तो गैस कर ही लोगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी गैस कर लोगे जो फिशर प्राइस इंडेक्स है हो सकता है इसमें कन्फ्यूज हो जाओ तो फिशर प्राइस इंडेक्स में कन्फ्यूज होने के चांसेज हैं जैसे मैंने हेड काउंट रेशियो अगर पॉवर्टी रेशियो लिखा होगा तो पता ही काउंट रेशियो कई शायद गैस कर ले कई ना कर पाए तो ये चीजें आप याद रखोगे इनमें एमसीक्यूज इस तरीके के आते हैं कि ये जो इंडेक्स है किस चीज के लिए मेजर होता है अगर आपको वहां एम्प्लॉयमेंट लिखा होगा या जेंडर इन इक्वालिटी कुछ लिखा होगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ फिर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कमिटीज और उन कमिटीज ने क्या किया था कौन सा मेथड है वो पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए हमें दिया हुआ था कि पॉवर्टी मेजरमेंट किस चीज पे बेस्ड होनी चाहिए सम इम्पोर्टेंट सम इंपोर्टेंट कमिटीजी मेजरमेंट के लिए तो डिटेल इसका मेरे लेक्चर्स वीडियोज में प्रेजेंट है अगर आपको डिटेल में वीडियोज देखने पर अगर आपके पास अब टाइम नहीं है तो आप ये चीज देख सकते हो वाई के अलग कमेटी फाइन तो इन्होंने क्या कहा था हमें पॉवर्टी जो है मेजर कैसे हम डिटर्मिन कर सकते हैं पॉवर्टी वो हमें करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैलोरी कंजम्पशन कौन से ईयर में इसका ईयर भी याद रख लो 1979 में तो इन्होंने कहा था ऑन द बेस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन ठीक है या इसको बोला जाता है रिलेटेड टू कंजम्पन एक्सपेंडिचर क्योंकि यहाँ पे कैलरीज की बात हो जो आप कंज्यूम करोगे एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ठीक है तो इन दो चीजों के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो डिटरमिन कर सकते हो पॉवर्टी कितनी है कि कितने कैलोरीज आप कंज्यूम कर पा रहे हो फाइन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है कि नहीं तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्राइटेरिया ऑफ लेस देन ट्वेंटी वन हंड्रेड कैलोरीज अर्बन एरियाज मेंस देन ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलोरीज रूरल एरियाज में ठीक है तो ये थी वाई के अलग कमिटी इसमें क्या याद रखना है कैलरी कंजम्पशन की बात हुई थी कि पॉवर्टी ऐसे होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंटिस तो क्राइटे कैलरीज कि है आप अगर कंज्यूम कर पाओ तो आप पोअर नहीं हो अगर इतनी कैलरीज भी आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो तो आप पॉवर्टी ब्रैकेट में आ जाओगे वो अर्बन एरिया के लिए ट्वेंटी वन हंड्रेड थी ट्वेंटी फोर हंड्रेड थी रूरल एरिया के लिए उसके बाद दूसरी कमिटी है हमारी लकड़वाला वाला तो इसमें आपको याद रखना है एक तो इन्होंने वो ही कैलरी कंजम्पशन की बात इसमें कैलरी कंजम्पशन के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कैलरी कंजम्पशन ठीक है प्लस इन्होंने एक चीज ऐड की थी इन्होंने कहा था हमारे पास होनी चाहिए स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन्स ठीक है तो ये ये किसने ऐड किया किया था वो लकड़ वाला नहीं किया था वो याद रख लेना थर्ड देखते हैं तेंदुलकर कमिटी अच्छा इसमें और एक बात याद रख लेना इसमें इन्होंने कहा था हमें अकाउंट में लेना चाहिए हमारा सीपीआई जो होता है सीपीआई की बात इन्होंने की दैट इज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या कहता है ये कहता है जो हमारा बास्केट ऑफ गुड है जिसे मैंने कहा आपके आ, राइस का आइटम आ गया फूड आइटम क्लोथिंग आइटम वगैरह उन चीजों में कितनी चेंजेस आई है ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फ्लेशन दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो इन्होंने कहा था हमें जो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन है वो अपडेट करनी चाहिए यूजिंग सीपीआई पी आई कितना इन्फ्लेशन की वजह से बास्केट ऑफ गुड्स में चेंज आया है और इन्होंने कहा था हमें आ, अर्बन एरियाज के लिए अलग सीपीआई लेना चाहिए एंड सीपीआई रूरल एरियाज के लिए ठीक है सीपीआईर एंड सी पी आई यू अर्बन एंड रूरल एरिया के लिए फिर थर्ड वन इज तेंडुलकर कमेटी टू थाउजेंड नाइन में हेडेड बाय मिस्टर सुरेश तेंडुलकर ठीक है तो तेंडुलकर कमेटी ने क्या कहा था इन्होंने कहा था पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना है हमें एक शिफ्ट करना है फ्रॉम कैलरी एक्सपेंडिचर फ्रॉम कैलरी कंजम्शन क्या हमें सिर्फ कैलरी कंजम्पन की बात नहीं करनी है कि उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉवर्टी डिटर्मिन होगी हमें बाकी सारी चीजें भी देखनी है जैसे क्लोदिंग ऐसे आइटम ठीक है एक्सेट्रा तो हमें कैलरीज के अलावा भी बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए किसका कहना था आर्ट एंड डूल कमिटी का कहना था और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें की थी इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था जो रूरल एरिया है रूरल एंड अर्बन एरिया उसमें आपका क्या होना चाहिए रूरल एंड अर्बन में उसका एक यूनिफॉर्म पावर्टी लाइन बास्केट होना चाहिए यूनिफॉर्म पावर्टी लाइन बास्केट ठीक है पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है इसमें वही आपके जो बेसिक मिनिमम वाली मिनिमम गुड्स जो आपके रिक्वायर्ड होते हैं गुड्स एंड सर्विस फूड वगैरह ऐसे सारे आइटम्स आएंगे तो इन्होंने क्या कहा था यूनिफॉर्म पी एल बी होना चाहिए एक्चुअली इसे क्या था पहले तेंडुलकर कमेटी से पहले क्या होता जैसे अलग कमेटी में वो क्या करते थे वो एक सेपरेट पी एल बी रखते थे सेपरेट पीएलबी फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ठीक है फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ये कौन रखते थे लक्कड़ वाला लकड़ वाला तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए एक सेपरेट रखने के बजाय क्या करना है जो हमारा पीएलबी है दैट मीन जो पाउटी लाइन बास्केट है जिसमें वो सारी चीजें होंगी वो यूनिफॉर्म होना चाहिए पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा पीएलबी क्या होगा दोनों एरियाज के लिए रूरल के लिए भी एंड अर्बन के लिए भी जो पीएलबी है वो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए उसके बाद फिर उस पर कितना स्पेंड कर सकते हैं रूरल के लोग गाँव के लोग एंड कितना स्पेंड कर सकते हैं शहरों के लोग उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉवर्टी एस्टिमेट होनी चाहिए लेकिन जो पी एल बी है इसको पहले हमें यूनिफॉर्म रखना है जैसे आल लकड़ वाला कमेटी ने क्या किया था वो सेपरेट पी एल बी करते थे रूरल और एरिया रूरल एरिया जो रूरल एरिया है उसके लिए अलग बास्केट था उनका पॉवर्टी लाइन बास्केट एंड जो अर्बन एरिया है उसके लिए अलग पॉवर्टी लाइन बास्केट था देखो बास्केट ऑफ गुड्स एंड इस पावर्टी लाइन बास्केट आप अगर कंफ्यूज हो रहे होगे उसमें क्या डिफरेंस है बास्केट ऑफ गुड्स में थोड़ा उसका वाइड कवरेज है उसमें recreation वाली चीजें ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीजें भी ऐड होती हैं लेकिन जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है पॉवर्टी इसके साथ लिखा हुआ है तो इतना सेल्फ एविडेंट है कि इसमें मिनिमम चीजें आएंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको जरूरत होती है ठीक है उसका छोटा हिस्सा मान लो पॉवर्टी लाइन बास्केट आपके बास्केट ऑफ गुड्स का तो इन्होंने क्या कहा था लकड़ वाला ने सेपरेट पीएलबी होना चाहिए रूरल और अर्बन के लिए तेंडुलगर ने कहा नहीं पहले आप एक सेम पीएलबी रखो गांव के लोगों के लिए भी वही रखो शहरों के लोगों के लिए भी वही रखो फिर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच यू आर एबल टू स्पेंड एक गांव वाला कितना खर्च कर सकता है एंड एक शहर वाला कितना खर्च कर सकता है उसके अकॉर्डिंग अपना एस्टिमेट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एस्टिमेट बनाया था रूरल एरियाज के लिए रूरल एरियाज रुपीज फोर फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स एट पर कैपिटा दैट पर परसन पर कैपिटा पर मंथ ठीक एंड अर्बन एरिया के लिए फाइव सेवेंटी एट पॉइंट एट जीरो पर कैपिटा पर मंथ ठीक है तो ये किसने कहा था टेंडुलकर कमेटी ने और इन्होंने कहा था एक मिक्स रेफरेंस पीरियड जो है वो मॉडल यूज करो मिक्स रेफरेंस हम इसका एक और क्विक रिविजन भी करेंगे लास्ट में मिक्स्ड रेफरेंस की बात इन्होंने की थी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड हमारे पास बेसिकली दो थे पहले क्या यूज़ होता था अर्लियर क्या यूज़ होता था यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड देखो जो मैं ऐसे आपको पढ़ाती हूँ ना जिसमें मैं ऐसे खुद लिख के आपको पढ़ाऊँ आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने नोट्स वहीं से बनाने की ठीक है लेकिन बच्चे क्या करते हैं मुझे इनके भी पीडीएफ मांगते रहते हैं जो मैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ाया होगा तो पहले क्या होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड पहले हम देखते हैं यूआरपी क्या होता है यूआरपी में क्या करते थे बेसिकली आपने कितना जो है प्रीवियस थर्टी डेज में क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रहा है कितना आपने खर्च किया है प्रीवियस थर्टी डेज में प्रीवियस थर्टी डेज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ठीक है इन्होंने क्या फॉलो किया मिक्स रेफरेंस पीरियड मिक्स रेफरेंस पीरियड में क्या करते हैं बेसिकली थोड़ा कैटेगराइज करते हैं आइटम को तो पांच चीजें इन्होंने अलग निकाली थी क्लोथ्स क्लोदिंग फुटवेयर देखो अगर आपको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पूछने की एक्स्ट्रा नहीं बट थोड़ा अगर आपको डीप जाने की कोशिश करें तो इसमें से काफी ज्यादा ट्विस्टिंग एमसीक्यूज जो है वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं फाइन क्लोदिंग फुटवेयर ड्यूरेबल एजुकेशन एंड हेल्थ कि इन सारी चीजों में आप बोलो आपने प्रीवियस ईयर में कितना खर्च किया है प्रीवियस ईयर में ठीक है आप जो रेस्ट ऑफ़ द आइटम्स हैं रेस्ट का आप बोलो प्रीवियस थर्टी डेज रेस्ट क्या बच गए इसके अलावा आपके जैसे खाने पीने वाली चीजें रेस्ट आइटम्स प्रीवियस थर्टी डेज ठीक है तो यूआरपी फॉलो होता था पहले उसमें क्या करते जनरली सब आ, अपना पूरा महीने पिछले महीने का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलो आपने किस पे क्या खर्चा है फिर इन्होंने कहा नहीं।, नहीं का कमेटी ने कहा मिक्स डिफेंस पीरियड फॉलो करना है दैट मीन्स पांच कैटेगरी जो है उसमें आप बोलो पिछले साल में इनपे कितना खर्चा है पिछले पूरे साल में कपड़ों पे फुटवेयर पे ड्यूरेबल आइटम्स पे एजुकेशन पे कितना खर्चा एंड जो बाकी प्रोडक्ट्स बच गए उनमें आप बोलो पिछले महीने में कितना खर्चा ठीक है लूजर कमेटी ने हमें और एक चीज यहाँ पे बताई थी उन्होंने कंप्यूट किया था पॉटी लाइंस पॉटी लाइंस इन परचेजिंग प... पावर पावर पैरिटी इन परचेजिंग पावर पैरिटी दैट इज पी 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 ठीक है टर्म्स वो इन्होंने कितना कहा था होगा दैट मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि आप में कितनी आ, मतलब आप में कितना पावर है पैसे खर्चना किसी चीज पे कि क्या आप वो चीज ले सकते हो परचेजिंग पावर पैरिटी वो होता है ठीक है आप में कितना पावर है चीजों पे अपना पैसा जो है को, कोई कोई चीज परचेज करने का तो वो इन्होंने कहा था थर्टी थ्री रुपीज पर ठीक तो यहाँ होगी आपकी ओवर तेंदुलकर कमेटी आगे चलते हैं रंग राजन कमेटी इनके जो एस्टिमेशन है वो बेस्ड होती है लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड पे एक इंडिपेंडेंट सर्वे है वो इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड और वो कौन करता है वो सर्वे बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सी एम आई ठीक है आई नो ऐसे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है ठीक है अगर मेरे रिटर्न नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर होते तो काफी इजीली हम जल्दी जल्दी क्विक रिविजन कर सकते थे लेकिन आपको थोड़ा मेरे टाइम की भी रेस्पेक्ट करनी होगी मेरे भी टाइम कंस्ट्रेम्स हैं तो अगर मैं पहले ये सारी चीजें पहले लिखू फिर रिकॉर्ड करूँ तो मुझे उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है लेक्चर की प्रिपरेशन में ठीक है तो इन्हने क्या कहा था रंग राजन कमेटी में पहले आप याद रखोगे इंडिपेंडेंट सर्वे पे बेस्ड होता है वो कौन कंडक्ट करता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई इसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं कि बेसिकली ये आ, बोलते हैं वो घर पोर कंसिडर किया जाता है जो अनेबल टू तो सेव जो सेव नहीं कर पाते तो इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज कही थी इन्होंने कहा था आपका जो आ, ये है पावर्टी एस्टिमेशन है उसके लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी होंगी उसके लिए आपको देखना होगा लोगों का नॉमेटिव एंड बिहेवियर पैटर्न कैसा है नॉमेटिव एंड बिहेवियर पैटर्न बिहेवियर लेवल डिटर्मिन करना होगा नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्मल जो एडुकेट रिक्वायरमेंट है बॉडी की उस उसपे वो कितना खर्च करते हैं दैट इज ए नॉर्मेटिव पैटर्न एंड जो नॉन फूड एक्सपेंसिज है आपका जो लाइफ स्टाइल वगैरह है उस पर वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो बिहेवियर पैटर्न है ठीक है तो नॉर्मेटिव एंड बिहेवियर लेवल जो है वो उनको पता होनी चाहिए पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए सेकेंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की उन्हें कहा अर्बन एरियाज में होनी चाहिए टू जीरो नाइन जीरो कैलरीज अर्बन एरियाज में होनी चाहिए एंड रूरल में टू वन फाइव फाइव कैलरीज रूरल में ठीक है तो आगे देखते हैं इन्होंने और एक चीज ऐड की थी इन्होंने इन्होंने कहा था कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड जो अभी हमने तेंदुलकर कमिटी में पढ़ा था उसकी जगह इन्होंने सजेस्ट किया था मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस ठीक है तो उसमें क्या था एक तो हमने पहले क्या किया था मिक्स रेफरेंस में मैंने क्या कहा था फाइव आइटम्स जो है वो हमें प्रीवियस ईयर के पता होने चाहिए तो इन्होंने कहा था थ्री सिक्सटी फाइव डेज वही जो प्रीवियस ईयर है वो होना चाहिए आपका क्लोथिंग फुटवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेडिकल केयर एंड ड्यूरेबल गुड्स वही जो फाइव आइटम्स हमने अभी डिस्कस किए थे वो आपके प्रीवियस ईयर में आपने उन उनपे कितना जो है खर्चा वो किया प्लस इन्होंने इसमें एक ऐड की थी चीज इसीलिए इसको मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस बोलते हैं इन्होंने कहा था आपको लास्ट सेवन डेज एक्सपेंडिचर बताना है लास्ट सेवन डेज एक्सपेंडिचर आपको बताना है किन आइटम्स का एडिबल ऑयल एग फिश मीट वेजिटेबल्स fruits spices beverages refreshments processed food pan pan sorry tobacco and intoxicants अल्कोहल वगैरह ठीक है तो आपको बताना होगा प्रीवियस सेवन डेज में आपने इनपे कितना खर्चा किया है एंड रेस्ट ऑफ द आइटम्स जो है थर्टी डेज एक्सपेंडिचर किन आइटम्स का रिमेनिंग फूड आइटम्स जो है जो इनमें कवर नहीं होंगे रिमेनिंग फूड आइटम्स फ्यूल एंड लाइट एक्स माइसिलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीन जो गुड्स एंड सर्विसेज बच जाती हैं जो ऊपर कवर नहीं होंगी ठीक है एंड टैक्सेस रेंट्स एंड टैक्सेस मॉडिफाइड Uh, ये आपका मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस था ठीक है ये किसने दिया था रंगराजन राजन कमेटी ने एंड तेंडुल तेंडुलकर कमिटी ने क्या कहा था आपका जो मिक्स रेफरेंस मेथड है रेफरेंस 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 उसको प्रेफर किया था था को पीरियड एंड उससे पहले क्या होता यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड तो तीनों मैंने आपको बताया क्या होते हैं ठीक है तो आगे बस दो कमिटीज हमें और देखनी है फिर uh, हम थोड़ा देखेंगे एमपीआई के बारे में कुछ डेटा एक आपकी है एनसी सक्सेना कमिटी ये किस लिए यूज होती है डिटरमिन करने के लिए बीपीएल फैमिलीज रूरल एरियाज़ में बीपीएल फैमिलीज़ रूरल एरियाज़ आपकी एस आर हाशम कमेटी इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे प्रिविलेज सेक्शन है उसमें से एक ऑटोमेटिक एक्सपल्शन होनी चाहिए कि आप पॉवर्टी में से उनको निकालो भी कि ऐसा नहीं है एक बार डिटर्मिन हो गई तो बस उनको फिर आप उसी कैटेगरी में रखो ऑटोमेटिक एक्सपल्शन किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे आप उनको निकालो एंड इंक्लूड करो जो वालनरेबल है इंक्लूजन ऑफ वालनरेबल ठीक है इन बीपीएल फैमिलीज दैट मीन्स क्योंकि आपके जो हालात किसी के भी हालात है वो चेंज होते रहते हैं ठीक है तो वो कैटेगरी से बाहर भी आ सकता है कैटेगरी में घुस भी सकता है तो ये बात किसने करी थी ये एस आर हाशिम कमेटी ने करी थी ठीक है थोड़ा डिटेल में अगर आपको देखना होगा तो उसके लिए आप मेरे lectures देख लेना फिर हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मैंने आपको कहा था ये कौन डेवलप करता है डेवलप करता है आपका ओफ शॉर्ट में शॉर्ट में ओफ डी याद रख लेना या ओफी करके याद रख सकते हो इट्स पॉवर्टी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ठीक है प्लस यूएनडीपी ये किस पे बेस्ड होती है किस मेथड पे उस मेथड को बोला जाता है एलकायर एंड फॉस्टर दैट इज एफ मेथड ए एफ मेथड पे बेस्ड है ठीक है और यूएन uh, रिपोर्ट क्या थी हमारी ऑन इंडियन पॉवर्टी यूएन रिपोर्ट ऑन इंडियन पॉवर्टी बेस्ड ऑन दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग बिहार जो है उसमें हाइस्ट सेगमेंट ऑफ एमपीआई पॉपुलेशन है बिहार में हाइस्ट एंड कैरला में लोएस्ट ठीक है आगे देखते हैं नीति आयोग ने क्या किया है इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया 2021 में नीति आयोग ने 2021 में तो इन्होंने क्या किया इन्होंने तब रिलीज किया रिलीज फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स

डायमेंशनल पॉवर्टी ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी के बीच में फाइन आगे देखते हैं फास्टेस्ट रिडक्शन जो है वो किन स्टेट्स में मिली थी एज पर दिस रिपोर्ट यूपी बिहार एमपी राजस्थान तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इसमें बेसिकली कौन सी चीजों पे पॉवर्टी मेजर की जाती है दैट इज योर हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है तो डिटेल कंपाइल पीडीएफ से आई वुड सजेस्ट जो मेरे मैराथन जो वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने वो फिर भी एक बार जो कंपाइल्ड पीडीएफ है वो देख लेना वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का डेटा देख लो इनके अकॉर्डिंग दो अर्निंग लेस देन टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट वन फाइव डॉलर्स पर डे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में फॉल करते हैं ठीक है एंड ये डेटा अपडेट हुआ था सितंबर 2022 में जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है आईपीएल ये आपका आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इसको अपडेट किया था फ्रॉम वन पॉइंट नाइन जीरो डॉलर टू टू होता है, जो पावर्टी है, वो चलती है means, पावर्टी का कोई एंड नहीं है वो कैसे नहीं है आप देखो जब जो कोई चीज साइकिल हम बोलते हैं साइक्लिकल मैनर में चल रही है दैट मीन एक चीज से दूसरी चीज हो रही है दूसरी चीज से आप फिर से पहली चीज पे आ रहे हो अगर एग्जाम्पल समझो तो पॉवर्टी की वजह से क्या होता है लोगों के पास लेस इनकम होती है कम इनकम होती है तो वो बच्चों पे एजुकेशन पे ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाते एजुकेशन पे स्पेंड नहीं किया तो आगे जाके वो लाइफ में कोई जॉब वगैरह जो है वो सीख नहीं करते तो लेस एजुकेशन इसकी वजह से उनकी लेस इनकम रहती है जब वो बड़े हो जाते हैं एंड अगेन उसकी वजह से क्या होती है वो गरीबी में ही रहते हैं तो जो पॉवर्टी है साइक्लिकल मैनर में चलती है तो नर्स एंड किंडल बर्गर ने हमें तीन चीजें तीन फैक्टर्स बताए थे जिससे हम डिटर्मिन कर सकते हैं कैसे साइक्लिकल मैनर में चलती है तो एक है आपका सप्लाई साइड फैक्टर डिमांड साइड फैक्टर मार्केट इम्परफेक्शन सप्लाई साइड फैक्टर क्या हुआ अगर जो प्रॉब्लम पॉवर्टी की सप्लाई साइड से है सप्लाई हुआ जैसे आपकी गवर्नमेंट होगी गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए वो सप्लाई साइड हो गया या आपका जो जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं चीजों की मैन्युफैक्चर जहाँ पे हो रही है मैन्युफैक्चर जहां पे हो रही है चीजों की तो वहां से चीजों की सप्लाई आ रही है तो सप्लाई साइड हुआ डिमांड साइड होते हैं लोग पीपल जो डिमांड करते हैं फॉर एग्जांपल एक टाइम पे नोकिया सिक्सटी सिक्स हंड्रेड जो है उसकी डिमांड बहुत मार्केट में थी ठीक है तो उस वजह से क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा फोन मैन्युफैक्चर होते थे तो ये आपका डिमांड हो गया आपका सप्लाई हो गया मार्केट इंपरफेक्शन हो गया फॉर एग्जाम्पल अगेन इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी आ सकती है ऐसी पॉलिसीज हैं जो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है या आपकी जो ग्रोथ हो रही है जॉब्स हो रही है वो स्किलेस हो रही है दैट मीनस लोगों में स्किल्स की कमी है तो ऐसी सारी चीजें मार्केट इंपरफेक्शन होती है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी मार्केट इम्परफेक्शन में इंक्लूड होगा ठीक है तो हम सप्लाई साइड का थोड़ा देख लेते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर्स में होता क्या है लो इनकम जब इनकम कम है आपकी तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग कम होगी जब कमाओगे कम तो सेव क्या करोगे जब सेविंग कम है तो प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि सेविंग से क्या होगा आप चीजें कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते ठीक है आपके लाइफ में जैसे कहीं पे आपने लैंड वगैरह खरीद ली गोल्ड खरीदा वैसी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है तो इन्वेस्टमेंट आपकी लो रहेगी और जब इन्वेस्टमेंट लो है दैट मीन्स आप सिर्फ अपनी जो मीगर कम इनकम है उस पर डिपेंड कर रहे हो तो अगेन लो इनकम तो ये सप्लाई साइड है जिसकी वजह से क्या होता है इंसान जो है पॉवर्टी वाले ब्रैकेट से बाहर नहीं आ पाता ठीक है वैसे डिमांड सप्लाई जो है डिमांड साइड जो है उसका अपना साइकिल है डिमांड साइड में क्या आता है उसमें जो पॉवर्टी है वो डिमांड की प्रॉब्लम की वजह से है लो इनकम लोगों की इनकम कम है जब इनकम कम होगी तो लो डिमांड होगी ठीक है जो लोग कम कमाएंगे वह क्या ही डिमांड करेंगे कि हमें बड़ी कार या बड़े फोन दे दो जब डिमांड कम है फॉर एग्जाम्पल अगर आ, किसी एक कंट्री में कोई बहुत पुअर कंट्री है तो वहाँ पे हाई एंड या बिल बहुत कॉस्टली कार्स की डिमांड जो है वो बहुत कम होगी दैट मीन्स लो इन्वेस्टमेंट उन चीज़ों में उन मैन्युफैक्चर में उन कार्स में उन कार्स की मैन्युफैक्चर में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जिसकी वजह से क्या होगा वो कार्स प्रोड्यूस नहीं हो जाएंगी ठीक है तो लो प्रोडक्टिविटी रहेगी लो प्रोडक्टिविटी इस लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या हुआ क्योंकि वो ऑटोमोबाइल प्लांट वो जो थ्राइव करवाते हैं आपके मार्केट को या वो कॉस्टली मोबाइल फोन्स उनके मैन्युफैक्चर सेटअप जो थ्राइव करवाते हैं आपकी इकोनॉमी को वो ग्रो ही नहीं करेंगे दैट मींस उनके एंड से कोई जॉब क्रिएशन नहीं होगी इकॉनमी आपकी नहीं बढ़ेगी एंड आपको अपनी ही जो छोटी मोटी इनकम थी उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा अगेन फिर लोड लो, लो इनकम है तो फिर फिर से वही साइकिल रिपीट होगा लो डिमांड लो इन्वेस्टमेंट लो प्रोडक्टिविटी ठीक है तो ये आपकी कौन सी वाली पॉवर्टी होगी डिमांड डिमांड साइड वाली डिमांड साइड के इश्यूज या आपके मार्केट इंपरफेक्शन भी होते हैं जैसे मार्केट की पॉलिसीज या आपके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मैंने कहा था कि स्किल्स जो हैं लोगों में काफ़ी कम होते हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है जो नेचुरल रिसोर्स है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनाना है तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए वो चीज़ें यूज़ करने का या सिंपल क्लॉथ को आपको एक डिज़ाइनर फेब्रिक बनाना है उसके लिए आपके पास वो स्किल होना चाहिए अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप वो नहीं कर पाओगे एंड्रॉय साइकिल है आप उसमें हमेशा फंस जाओगे तो डिमांड एंड सप्लाई वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट इंडपर्फेक्शन का साइकिल ऑल दो मैंने आपको वीडियोज में पढ़ा है पर वो जितना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर हो गया आपका रेमेडीज ऑफ पॉवर्टी रेमेडीज ऑफ पॉवर्टी क्या क्या होता है कि आप क्या करो ये बेसिक से है जैसे अपनी सेविंग्स इंक्रीज कर लो ठीक है अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर लो एंड um, एक बैलेंस ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करो बैलेंस्ड ग्रोथ बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होता है आपका देखो हमारे पास तीन सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर ये पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ठीक है ना तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा हुआ आपका एग्रीकल्चर सेकेंडरी आपका एग्जाम्पल होगी आपके मैन्युफेक्चर यूनिट्स वाले जहां पे चीजें बनती हैं एंड टर्सरी सर्विस सेक्टर जैसे जॉब्स वगैरह आपका आई इंडस्ट्री ठीक है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए अगर आपका एग्रीकल्चर बढ़ेगा अकॉर्डिंगली आपका सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा एंड टर्सरी सेक्टर भी इनकी बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए जैसे एग्रीकल्चर इंक्रीज होता है तो आपको क्या चाहिए आपको फिर अः ट्रैक्टर्स में इन्वेस्ट करना होगा ठीक है आपको ऐसे टूल्स लगाने होंगे जिससे एग्रीकल्चर जो है वो कन्वीनियंट हो जाएगी ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह की जरूरत आपको पड़ेगी फाइन जिससे आपके एग्रीकल्चर जो है और ज्यादा अच्छा यील्ड देगी तो अकॉर्डिंगली आपके पास मैन्युफैक्चर प्लांट आ जाएंगे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां ठीक है या टूल्स ऐसे एग्रीकल्चर टूल्स बनाने वाली कंपनियां वो भी अकॉर्डिंगली ग्रो हो जाएंगी एंड सर्विसेज भी इंप्रूव हो जाएंगी जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंक्रीज हो जाएगी जो एग्रीकल्चर एकुर्ण्ट्र, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फार्म मार्केट फार्म से मार्केट में ले जाए फार्म से मार्केट ठीक है तो ये सारी सर्विसेज की जरूरत होगी ऐसे ही जो ग्रोथ है ये होनी चाहिए बैलेंस में लेकिन इंडिया में क्या हुआ था ये बैलेंस ग्रोथ अचीव नहीं हुई थी हमने प्राइमरी से सीधे टर्सरी में जंप किया था क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर था यहाँ पे ग्रो होने का वो वाला टाइम था जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे और वो क्या करते थे उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उस पर लगाने का कोई ध्यान नहीं दिया चीजें वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से लेते थे प्रोड्यूस अपने कंट्री में करते थे वापस आके बेचते इंडिया में थे तो जो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस करने वाली चीज है वो उनकी होम कंट्री में होती थी तो इस वजह से इंडिया में बैलेंस ग्रोथ अचीव नहीं हुई उस वजह से भी यहाँ पे जो है पॉवर्टी वो रही ठीक है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह सही से होनी चाहिए स्किल्स वगैरह लोगों में इंक्रीज होने चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट मीन्स फैक्ट्रिया सही से सेटअप करो स्किल्स ग्रो करो लोगों के ये सारी चीजें रेमिडीज ऑफ पॉवर्टी आती है फिर कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं उसके लिए आई आगे सजेस्ट जो आप क्योंकि वो काफ़ी स्कीम्स मैंने लिखी हैं अगर आप डिटेल में थोड़ा मतलब इन डेप्थ में वीडियोस देखना चाहते हो तो वो सारी स्कीम्स जो मैंने लिखी है कंपाइल्ड पीडीएफ में है वो एक बार ही गो थ्रू कर लेना अदरवाइज अगर आपके पास अभी टाइम कम है क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी स्कीम्स जो है वो यूनिट सिक्स में आपने पढ़ी हुई है तो आप क्या करोगे ये आप स्किप कर सकते हो ये वाला पोर्शन पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स वाला लेकिन अगर आप स्किप नहीं करना चाहते हो ना आपके पास टाइम है एंड बाकी जो कंपोनेंट्स आपके वो कंप्लीट हो गए हैं तो आप क्या करोगे कंपाइल्ड पीडीएफ खोलोगे मेरी या मेरा लेक्चर नंबर थर्टी थ्री है वो देखोगे उसमें मैंने जल्दी जल्दी वो स्कीम्स करके आपको एक्सप्लेन करी है एंड खुद से आप उनके नोट्स बनाओगे यहाँ मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी तो ये मैराथन सीरीज काफी लंबी हो जाएगी ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स लिख लो मैंने आपको बोला नीति आयोग जो था उसको रिप्लेस एक बॉडी ने किया था उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ चलो तो अभी तक आपने कमेंट नहीं किया होगा उसके पहले हमारी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन की तो वो क्या करती थी प्लानिंग कमीशन पीसी लिख लो शॉर्ट में वो क्या करती थी फाइव ईयर प्लान्स लेके आती थी जिसमें हम क्या करते थे जो भी हमारा एजेंडा रहेगा नेक्स्ट फाइव ईयर्स का कंट्री का वो उसमें डिसाइड होता था तो पॉवर्टी रिलेटेड थोड़े प्लान इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा प्लान है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान एफ आई पी उसको बोलते थे उसमें पहली बार जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन की बात हुई थी तो पॉवर्टी रिलेटेड कौन कौन सा प्लान इंपॉर्टेंट है वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है पॉवर्टी एलिवेशन की बात पहली बार हुई थी पॉवर्टी एलिवेशन गरीबी हटाओ की जो बात हुई थी गरीबी हटाओ ठीक है उसके बाद सेवेंथ प्लान इसमें काफी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स ठीक है और इसमें क्या कहा था पॉवर्टी को हटाने के लिए पहली बार ध्यान किस पे दिया गया था इंप्रूव करो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पोअर ठीक है फिर एथ ईयर प्लान में भी बात हुई थी पॉवर्टी रिडक्शन की नाइन्थ प्लान में क्या कहा था अचीव करने के लिए कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी टेंथ फाइव प्लान में क्या कहा था पॉवर्टी रेट को रिड्यूस करो बाय फाइव परसेंट बाई टू थाउजेंड सेवन एंड इलेवेंथ फाइवर प्लान में किसकी बात हुई थी रैपिड एंड इंक्लूसिव प्रॉपर्टी पॉवर्टी रिडक्शन

इसका और एक नाम भी है इसको बोला जाता है डॉलर वन इज रिलेटिव पॉवर्टी ये भी आपको पता है थर्ड वन इज सिचुएशनल पॉवर्टी जैसे आ, कहीं पे कोई कैटास्ट्रोफी हो गई ना कहीं पे भूंजाला आ गया या फ्लड आ गया उसकी वजह से अगर गरीबी हो गई तो टेम्पोररी है ये जल्दी कवर हो जाती है फोर्थ इज जो प्रॉपर्टी पॉवर्टी जैसे किसी को जनरेशन वेल्थ मिली होती है उनके पेरेंट्स ने काफी टाइम अब रहते चीजों थी में इन्वेस्ट किया होता है जो फिर आगे की जेनरेशन जो है उसके जो रिटर्न्स है वो एंजॉय कर पाते हैं जैसे जनरेशन में किसी को वेल्थ मिलती है किसी को जनरेशन में गरीबी मिलती है उनके पेरेंट्स ने कोई ऐसा काम नहीं किया होता है कि आगे की जेनरेशन जो है वो पॉवर्टी ब्रैकेट से बाहर आ जाए तो जनरेशन पॉवर्टी फाइव वन इज योर रूरल पॉवर्टी रूरल पॉवर्टी ये किन एरियाज में होती है वहां पे जहां जो पॉपुलेशन है वो बिलो फिफ्टी थाउजेंड पॉपुलेशन वाले एरियाज बिलो फिफ्टी थाउजेंड ठीक है तो वो वाले एरियाज होते हैं जहां पे क्या होगा लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज लेस जॉब अपॉर्चुनिटी होगी लेस एक्सेस टू सर्विसेज ठीक है क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज इन शॉर्ट वहां पे प्रोवाइड नहीं नहीं मिलती लोगों को एंड अर्बन पॉवर्टी कौन सी होती है अर्बन पॉवर्टी शहरों में होती है जहां पे पॉपुलेशन अबो फाइव थाउजेंड होगी फिफ्टी थाउजेंड सॉरी ठीक है तो उनमें क्या होता है वहां पे ओवरक्राउडिंग हो गई होती है जैसे स्लम्स में रहते हैं अर्बन एरिया में जो स्लम्स होते हैं वो एग्जाम्पल ले लो ओवरक्राउडिंग होगी ठीक है उनके पास भी फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती है अनहेल्थी एनवायरमेंट होता है इनएड्यट uh, हाउसिंग घर वगैरह वहां पे लोगों के पास नहीं होते मिनिमम वेजेस उनको मिलते हैं तो ऐसा नहीं है शहरों में सारे अमीर होंगे शहरों में काफी ज्यादा गरीबी जो है वो प्रेजेंट है फाइन बस लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं उसके बाद हमारा यूनिट वन का जो यूनिट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ऑफ मैराथन कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में मैंने आपको दो चीजें बताई थी एक था आपका लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफेंट गिनी तो लॉरेंस क्या कहता है ये हमें बताता है हमारा जो इनकम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इकोनमी वो कैसे होगी कि कितने परसेंट ऑफ लोगों के पास कितनी वेल्थ होगी तो ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ जो वेल्थ है दुनिया की वो वन परसेंट लोगों के पास है तो वो डिटरमिन अगर जब हम ग्राफिकली करते हैं वो उसको लॉरेंस कर्व बोलते हैं एंड गिनी कोफिशेंट होता है जब हम एक कोई एक उसका जो मेजरमेंट है एक क्वान्टिफाइड टर्म में एक एवरेज निकालते हैं तो उसको हम गोफिश बोलते हैं ठीक है जहां परफेक्ट इक्वालिटी अगर एग्जिस्ट करती तो गिनी कोफिश जीरो होता अगर परफेक्ट इनइक्वालिटी है कि बिल्कुल ही इनइक्वालिटी है तो गिनी कोफिशन जो है वो वन होता है ठीक है तो ये डेवलप किसने किया था ये डेवलप किया था मैक्स लोरेंस ने मैक्स लोरेंस नाइनटीन में ठीक है तो एस बी आई रिसर्च ने क्या किया है रिसेंटली उन्होंने कैलकुलेट किया कि गिनी कोफिशियंट हैज एस बी आई रिसर्च ने कहा जो गिनी कोफिशियंट है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम जीरो पॉइंट फोर सेवन टू टू जीरो पॉइंट फोर जीरो टू और किन इयर्स में हो गया 2014 15 से लेकर 2022 23 में ठीक है तो ये एसबीआई रिसर्च की एक ये थी एक एनालिसिस था कि जो गिन्नी कोफिशिएंट है वो डिक्लाइन हुआ है 0.47 22 40.402 2014 15 टू 2022 uh, 23 तक ये रिविजन आप जितने करो ना उतने आपके लिए बेटर रहेगा एंड जो एमसीक्यू सीरीज है वो मैं रिविजन कम्प्लीट करने के बाद ही लाऊंगी क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनकी एमसीक्यू सीरीज वो ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने में लगते हैं एंड जो रिविजन है वो प्रॉपरली उनके नहीं होते हैं ठीक है इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा उनको रिविजन पे भी इक्वल फोकस करना पड़ेगा पॉवर्टी होता क्या है आपकी यूएनएचआरसी ने कहा था जिसमें डिप्रिवेशन हो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जैसे रिसोर्स सिक्योरिटी पावर एक्सेट्रा फिर हमने कहा पॉवर्टी एब्सोल्यूट भी होती है रिलेटिव भी होती है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मतलब जैसे चीजें आपके पास ना हो जैसे फूड वाटर सैनिटेशन रिलेटिव हम बोलते हैं इन कंपेरिजन टू अदर ठीक है दूसरे कंपेरिजन में आप कितने पोअर हो दूसरे के इनकम के कंपेरिजन में आपकी इनकम कितनी कम है तो वो सारी चीजें किस में आती है रिलेटिव पॉवर्टी में ठीक है फिर हमने देखा कॉजेस क्या हो सकते हैं अंडर डेवलप्ड हो आपकी इकोनमी पॉपुलेशन ज्यादा रिसोर्सेज कम पॉलिसीज ठीक नहीं है प्रोडक्टिविटी नहीं है फिर पॉवर्टी लाइन हमने कही एक जिसमें मॉनेटरी एक सेट करते हैं ठीक है कोई भी एक एस्टिमेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है एक अमाउंट उससे ऊपर अगर आप तो अब पॉवर्टी लाइन अदरवाइज बिलो पॉवर्टी लाइन तो पॉवर्टी एस्टिमेशन नीति आयोग करती है उसका सर्वे कहां से आता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस से अंडर किसके आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन तो जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो पहले थाउजेंड थी फॉर अर्बन एट थी फॉर रूरल अब वन टू एट सिक्स अर्बन एंड वन फॉर रूरल ग्लोबल पॉवर्टी लाइन किस पे सेटअप की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ट्वेंटी टू में टू पॉइंट वन फाइव डॉलर अ डे पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिपेंडेंस से पहले कौन किसने की सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने की थी इन्होंने बुक लिखी पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ने कैसे जो इकोनॉमिक ब्रेन है इंडिया से किया था इंडिया की सारी वेल्थ कैसे वो ले गए थे तो अर्लिएस्ट एस्टिमेशन पॉवर्टी लाइन की इन्होंने की थी ठीक है तो इन्होंने कितना कहा था सिक्सटीन टू थर्टी फाइव रुपीज फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी नाइनटीन थर्टी एट इन्होंने कहा फिफ्टीन टू ट्वेंटी रूपीज बॉम्बे प्लान ने कहा सेवेंटी फाइव रुपीज फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेशन प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप किया गया था नाइनटीन सिक्सटी टू में इन्होंने कहा पावर्टी लाइन रूरल एरिया का ट्वेंटी एंड अर्बन का ट्वेंटी फाइव फिर वी एम दांडेकरन एंड रथ इंपॉर्टेंट नाम है नाइनटीन सेवेंटी वन में पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट जो है पॉवर्टी ऑफ इंडिया ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वो इन्होंने प्रेजेंट किया था इन्होंने कहा था कैलरीज पे डिपेंड करता है ये एंड वो होती हैं टू टू फाइव जीरो कैलरीज पर डे रूरल प्लस अर्बन दोनों का ठीक है कि कितना आप कमाते हो कि इतनी कैलरीज एटलीस्ट आप कंज्यूम कर पाओ तो उस अकॉर्डिंग आपकी पॉवर्टी लेवल जो है वो डिटर्मिन होगी तो मेजर पॉवर्टी में हेडकाउंट रेशियो या पॉर्टी रेशियो हेडकाउंट इस बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं डिवाइड बाई टोटल पॉपुलशन एपीआर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एंड फिशर प्राइस इंडेक्स तो सारे यूज होते हैं किसमें पॉवर्टी एस्टिमेशन में इंपॉर्टेंट कमेटी पॉवर्टी मेजरमेंट की वाई की अलग uh, के अलग कमेटी इन्होंने कहा था कैलरी कंजाम्पन के बेसिस पे होता है दैट मीस योर कंजम्पन एक्सपेंडिचर एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट उसकी कैलरीज याद रख लेना लकड़ वाला कमेटी ने भी कहा कैलरी कंजम्पशन प्लस इनने कहा स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन हमें निकालनी चाहिए उसके किसके बेसिस पे उसमें इंक्लूड करो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट मीन जो बास्केट ऑफ गुड है उसमें कितनी चेंज आई अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन दैट मीन महंगाई जितनी बड़ी बास्केट ऑफ गुड के जो प्राइस है वो कितने अकॉर्डिंगली बढ़े तेंडुलकर कमेटी सुरेश तेंडुलकर वॉज हेडेड बाय सुरेश तेंडुलकर तो इनने कहा शिफ्ट फ्रॉम कैलरी कंजम्प्शन की उसमें क्लोदिंग फ्यूल एट्सट्रा एजुकेशन वगैरह हेल्थ ये सारी चीजें भी इंक्लूड करो इन्हने कहा रूरल पर, और अर्बन एरिया में यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट होना चाहिए दैट मीन पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है वो चीजें जो होंगी वो रूरल और अर्बन एरिया में सेम होनी चाहिए फिर उनके बेसिस पे आप डिटर्मिन करो कि अर्बन एरिया कितना खर्चता है उन चीज़ों को अचीव करने में या उन चीज़ों को परचेज करने में एंड रूरल एरिया कितना खर्चता है ठीक है अदरवाइज पहले क्या होता था पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है वो रूरल और अर्बन दोनों के लिए वो चीज़ें चीज़ें दोनों के लिए वो चीजें अलग अलग जो है वो डिटर्मिन की जाती थी तो अकॉर्डिंगली इन्होंने हमें एक टर्म ये अमाउंट दिया था जो आपको याद रखना है मिक्स रेफरेंस पीरियड इन्होंने कहा फॉलो करो पहले अर्लियर क्या होता था यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड दैट मीनस पिछले महीने आपने कितना खर्चा किया चीजों पर वो सारा कैलकुलेट करो वो यूनिफॉर्म में आता था लास्ट प्रीवियस थर्टी डेज का कंजम्पशन uh, एक्सपेंडिचर लेकिन मिक्स में क्या आता था इन्होंने फिर कैटेगराइज किया कि जो पांच चीजें हैं वो आप देखो प्रीवियस ईयर का उनका एक्सपेंडिचर क्या है एंड जो बाकी बचे हुए आइटम्स उनका फिर आप प्रीवियस थर्टी डेज का देखो वो पांच आइटम्स याद रख लेना वो कौन कौन सी है क्लोदिंग फुटवेयर ड्यूरेबल एजुकेशन हेल्थ इसको शेफ डी करके याद रख लो सी एच सी बी है एच पी है ई e बी है एफ बी है हाँ शेफ डी ठीक है उसके बाद इन्होंने कहा पॉर्टी लाइन को परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में कितना कहा थर्टी थर्टी थ्री रुपीज पढ़े फिर रंगराजन राजन कमिटी ने क्या कहा अपने सर्वे इनका जो एस्टिमेशन है वो किस पे बेस्ड होता था इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड जो कौन कंडक्ट करता था सी एम आई इनका वो घर पोअर रहता है जो अनेबल टू सेव होता है नॉमेटिव एंड बिहेवियर लेवल भी इंक्लूड करो दैट मीनस कितना जो आइडियल रिक्वायरमेंट है नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है कैलरीज का वो प्लस जो आपका बिहेवियर पैटर्न होगा दैट मीन जो नॉन फूड आइटम है जैसे आपका क्लोदिंग लाइफ स्टाइल वगैरह उन पे आप कितना

एस आर हाशिम कमेटी ने क्या कहा जो भी हमारी बीपीएल फैमिलीज है उसमें ऑटोमेटिक एक्सपल्जन एंड इंक्लूजन होनी चाहिए कि उसमें किसको एक्सक्लूड करना है इंक्लूड करना है वो चीज पे भी ध्यान दो एम पी आई में हमें कौन सा मेथड यूज आता है एलकार एंड फॉस्टर मेथड इसको ए एफ मेथड बोला जाता है यूएन रिपोर्ट ऑन इंडियन पॉवर्टी उन्होंने क्या कहा ऑन द बेस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बिहार में हाएस्ट एम है एंड केरला में लोएस्ट है नीति आयोग 2021 में इन्होंने रिलीज किया पहला एमपीआई फॉर इंडिया बेस्ड ऑन एनएफएच एन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एन एफ एच स्कोर ठीक है उसके अकॉर्डिंग थर्टीन पॉइंट फाइव करोड़ पीपल जो है उन्हें की थी ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है और यूपी बिहार एम पी राजस्थान में फास्टेस्ट रिडक्शन हुआ था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का ठीक है वो क्या क्या हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड अगर आपको डिटेल देखनी है तो कंपाइल पीडीएफ पे मिल जाएगी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोज अर्निंग लेस देन 2.51 2.15 डॉलर्स पर डे वो इंक्लूड होते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले सेक्शन में दैट मीन्स इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है हमारी वो कितनी है टू ग्लोबली ठीक है विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी फिर हमने डिस्कस किया मैंने आप लोगों का सप्लाई साइड कुछ होता है डिमांड साइड होता है जैसे सप्लाई जहां से आती है आपका मैन्युफैक्चर सेटअप हो गया गवर्नमेंट वगैरह हो गया ठीक है एंड डिमांड लोग हो गए मार्केट इम्परफेक्शन स्किल नहीं है लोगों में ठीक है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वो मार्केट की इम्परफेक्शन होगी फिर ये आप देख लेना मैंने आपको बताया कैसे साइक्लिकल पैटर्न में चलता है ये सिंपल है उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है फिर रेमेडीज भी मैंने आपको बताई बैलेंस ग्रोथ कैसे अचीव करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्नशरी तीनों जो तीनों जो है वो बैलेंस उनमें होना चाहिए उनकी ग्रोथ में फिर फाइव ईयर प्लान्स मैंने बताया आपको किस किस फाइव ईयर प्लान में हमने पॉवर्टी एलिवेशन या पॉवर्टी रिलेटेड कुछ भी बात की है फिफ्थ में फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में पॉवर्टी एलिवेशन की बात हुई सेवंथ में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पोअर एट्थ में पॉवर्टी रिडक्शन की ठीक है नाइन्थ में कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी टेंथ में हो गया बाय फाइव परसेंट रिड्यूस करो उसको बाय टू थाउजेंड सेवन इलेवंथ में कहा रैपिड एंड इंक्लूसिव पॉवर्टी रिडक्शन ट्वेल्थ में कहा बाय टेन परसेंट जो है पॉवर्टी को रिड्यूस करो जब तक ट्वेल्थ ईयर प्लान चलेगा तब तक टेन परसेंट और रिड्यूस हुई होनी चाहिए तो फिर टाइप्स हमने देखे एब्सोल्यूट रिलेटिव आपने देखा सिचुएशन पॉवर्टी होगी जो किसी के टेस्ट फॉर एग्जाम्पल पूंल या फ्लड वगैरह की वजह से लोग गरीब हो जाते हैं ये मोस्ट टेम्प्री है जेनरेशन जो होता है जो जेनरेशन में किसी को गरीबी मिली होती है ठीक है फिर आगे आपका रूरल पॉवर्टी रूरल पॉवर्टी होता है वो रूरल एरिया जहाँ पे बिलो फिफ्टी थाउजेंड पॉपुलेशन हो लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी लेस एक्सेस टू तो सर्विसेज होंगे अदा सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती होंगी फाइन एंड देन आपका जो इनकम एजुकेशन वगैरह वो सब वहाँ पे कम ही होगा अर्बन पॉवर्टी फिफ्टी अब फिफ्टी थाउजेंड ओवर क्राउडिंग लोग वहाँ पे रहते हैं ओवर क्राउडिंग एरियाज में अनहेल्दी एनवायरमेंट होता है सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है फॉर एक्जाम्पल आपका स्लम एरिया फिर हमने देखा लॉरेंस कर्व जो बताता है कितनी वेल्थ कितने लोगों के पास है जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्चुअली नाइनटी नाइन परसेंट जो दुनिया का पैसा है वो वन परसेंट लोगों के पास है, उसको टर्म में एक टर्म में, दिटर्म में करते हैं by the name, गिनी अगर गिनी को जीरो होगा परफेक्ट इक्वालिटी इन इक्वालिटी यूजली कंट्रीज जो है इसके बीच में फॉल करती है एंड किसने दिया था मैक्स लोरेंजन ने 1906 में ठीक है यहाँ पे ये एडिट कर लेना 1906 फिर एस बी आई रिसर्च ने रिसेंटली क्या कहा उन्होंने कहा इंडिया में जो ये है गिनी कोफिशेंट हमारा डिक्लाइन हो गया है जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फोर सेवन टू से लेकर जीरो पॉइंट फोर जीरो टू तक जो कि अच्छी बात है ठीक है तो ये हो गया आपका यूनिट थर्ड का यूनिट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे इसमें अब क्या रहता है आपका पॉवर्टी एलिवेशन जो स्कीम्स हैं कुछ वो आपको कहाँ से देखनी है वो आपको कंपाइल पीडीएफ से देखनी है अगर आपके पास टाइम है अगर नहीं है तो आई वुड से लीव दैट अगर आपका बहुत पोर्शन अभी भी इनकम्प्लीट रह गया है ठीक है तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है यूनिट थर्ड का मैराथन फर्स्ट पार्ट मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगी तो अभी हम रिवीजन सीरीज़ पहले कंप्लीट करेंगे उसके साथ ही जल्दी हमारी एमसीक्यू सेशन भी एमसीक्यू uh, सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि पहले क्या है रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो द टाइम